तो सेंग इल ओंजे सेंग इल बर्थडे आपकी ओंजे कब है, तो आप अपनी पूरी डेट आप बस बता सकते हैं। साल सबसे पहले आपने साल बताना है, वही किसी किसी गिनती में, फिर महीना बताना है और आखिर में दिन बताना है। ठीक है, तारीख अगर आपसे कोई पूछेगा कि आज कितना महीना और कितनी तारीख है, उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? म्यौत होता है कितना, ये लफ्ज है म्यौत, कितना। अगर महीना पूछे तो वो लफ्ज यूज करेगा म्यौत वुल, क्या यूज करेगा? म्यौत वुल, कितना महीना। और तारीख इस्तेमाल करेगा म्यौत छिल, म्यौत नहीं करेगा म्यौत छिल। इतनी तारीख आप वोकैबुलरी जितनी आपसे लिखी सकती है याद कर सकते हैं इतनी कम है, ज्यादा से ज्यादा करें क्या म्यौतुल म्यौत्य, कितना महीना कितनी तारीख। इनकेस आपसे पूछते हैं आज कितना महीना और कितनी तारीख है, तो वो वर्ड यूज करेगा ओनिल, आज। ओनिल किसे कहते हैं? आज को। वोकैबुलरी बेहिसाब है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँ थोड़ा थोड़ा ले पाने ताकि जितना आप तैयार कर सकें। ओनली किसे कहेंगे? आज, टुडे, आज। म्यूचुअल म्यूचुअल का आज कौन सा महीना और कौन सी तारीख है। ठीक है, इस तरह के अभी से आप ये एक तरह से मैं आपके टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। ये सवाल आपके आगे हम सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से आपको तैयार होंगे तो जब हम बुक पढ़ेंगे ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप वो सिंगल वाले टेबल और बनाओ, सिंगल वाला वो भी बना दिए, डबल वाला इस जवान के चेक कर ठीक बना रहे। ओंजे कब, बर्थडे सेंगे, ज्यादा चीजें नहीं पढ़ा रहा इसके मुतालिक क्योंकि आपको तैयार करना मुश्किल हो जाती है। मेन मेन चीजें आपको बता रहा हूँ, हटा दो जी। अच्छा, टेलीफोन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है छनवा, छनवा भागी, छनवागी कहते हैं फोन सेट को, उससे हमें पड़ा था छनवा आता होता है फोन करना, कॉल करना, टू मेक अ कॉल। मोबाइल फोन भी इसी को कहते हैं? नहीं, मोबाइल फोन के लिए और हैंडल फोन वर्ड इस्तेमाल होता है, स्मार्ट फोन इस्तेमाल होता है, वो वर्ड इस्तेमाल होता है। छनवा आता होता है फोन करना, कॉल करना। अब आपने फोन नंबर बताना है तो फोन नंबर बताने के लिए भी ये गिनती इस्तेमाल होगी, लेकिन ये जो गिनती इस्तेमाल होगी दुनिया में आप सुनते होंगे पूरी दुनिया में कहीं भी नंबर बताने के लिए। अब आपने सुना होगा कि आपने अगर पुलिस सेंटर पे कॉल करनी है तो आप क्या करेंगे? 15 पे कॉल करेंगे। अगर आपने रेस्क्यू कॉल करनी है एमरजेंसी के लिए तो किधर कॉल करेंगे? 112 पर, 1122 ऐसी। कभी आपने किसी बंदे को सुना है कि कोई बंदा कहे कि हाँ जी कॉल करो 15 पर, या कोई बंदा आपने सुना होगा किसी ने कहा होगा कि आप 1122 पे कॉल करें या 1122 पे कॉल करें, कभी सुना है किसी बंदे को? नहीं। इसीलिए दुनिया में कहीं भी जब फोन नंबर की बात होती है तो हर नंबर अलग अलग बताया,
हर नंबर क्या होता है अल्लाह का अलग होता है, लेकिन ये हमारे यहाँ ये है कि हम जब फोन नंबर सुनते हैं बताते हैं तो हम क्या करते हैं 0335 48 78 656 ऐसे ही बताते हैं ना। कभी किसी बंदे को आपने सुना है कि आपको वो बताए कि यार नंबर मेरा 0333 5532 4678 है, कोई बंदा बताता है? नहीं, सारे दिन आप अपने अंदाज से बताते हैं 0333 54 57 538 500 कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी बंदे ने अलग अलग लगा, जबकि फोन नंबर हमेशा क्या किए जाते हैं अलग अलग लगाए जाते हैं। ठीक है, कल एक लफ्ज था जनाब जीरो की बात मेरे जहन में नहीं, आपने भी याद नहीं दिया। जीरो के लिए वर्ड इस्तेमाल था खुम और यौंग भी लफ्ज इस्तेमाल, दोनों वर्ड यौंग भी और खुम भी दोनों लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? सिफर के लिए। जीरो खुम और यौंग दोनों वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होंगे? सिफर के। ज्यादा वर्ड वैसे को खुम ही यूज करते हैं, खुम खुम कहते हैं सिफर। जी ठीक है, मैं इनके सब अपना नंबर बताता हूँ 0345 54 57 930 ये फर्स्ट क्या मेरा नंबर है। ठीक है 0345 0345 आगे डैश 54 -57 -93 0 ये नंबर है मेरा। ठीक है, अब इसको मैंने करना है कोरियन नंबर पे, कोरियन में बताना है। अगर आपको फोन नंबर कोरियन लैंग्वेज में बताना पड़े तो आप कैसे नंबर बताएंगे? वैसे भी किसी भी जबान में अगर आपको नंबर बताना पड़े तो आप उसको अलग अलग करते हो, जो तरीका कार है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? जीरो, फिर क्या है? आगे क्या है? आगे मैंने लगाइए डैश। कोरियन लैंग्वेज में अगर आपको डैश बतानी पड़े तो आप लोग यूज करेंगे ए। क्या बताएंगे? ए के बहुत से मतलब आएंगे। फिर आप डैश के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? ए। ठीक है, फिर आगे ओ, सा, फिर ए, फिर ओ, छे, फिर ए, आखिर में टू, साम, समझा। अब आपने क्या करना है, मेरे नंबर की बजाय बेशक अपना नंबर लेके आप उसकी प्रैक्टिस करनी है खुद घर में जाके, घर में आपने अपना नंबर लिखना है और नंबर आपने जब भी फोन नंबर बताना है क्या करना है? अलग अलग। क्या करना है? अलग अलग। हर इंसान कोरिया में ज्यादा जो नंबर इस्तेमाल होता है उन कोरियन वैसे जो है कंट्री कोड है वो है 82 082 या 82। पाकिस्तान का क्या है? 9 2 + 9 2 + 9 2 + 8 2 = 42। अगर आप वहां पर जाएंगे तो जो आपको नंबर मोबाइल नंबर मिलेगा वो इस सीरीज में मिलेगा 010। जिस तरह हमारे यहाँ कोड होता है 0345। ठीक है, वहां पर आपको जो कोड मिलेगा पहला कोड 010 मिलेगा, 010। आगे 54 57 07 8 6 इस तरह का। ठीक है, 2 4 2 4 8 इंच आगे 010, आगे 54 57 07 86 ये इस तरह का नंबर आपको मिलेगा। पाकिस्तान से आप जब डायल करेंगे कोरिया का नंबर तो आप पहले क्या डायल करेंगे? 82 82। अब जब डायल करना है तो फिर आपने जीरो नहीं डायल करना, फिर 10 डायरेक्ट आप। जिस तरह दूसरे मुल्कों से आप जब मेरा नंबर डायल करते हैं तो वहां पर आप 92 के बाद जीरो नहीं लगाते, 92 के बाद जीरो नहीं लगता, डायरेक्ट आप 300 345 या 345 लगाते। इस तरह जब आप कोरिया से नंबर डायल करेंगे तो या कोरिया का नंबर डायल करेंगे उधर का, इधर से आप मिलाते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? 820 फिर नहीं लगाना। अगर आप लोकल कॉल कर रहे हैं लोकल, फिर आप 010 लगाएंगे, फिर आप 010 लगाएंगे। लेकिन जब आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं इधर से पाकिस्तान से तो फिर आप पहले क्या डायल करेंगे? 82 फिर, लेकिन फिर जीरो इस्तेमाल नहीं करना, फिर आप 10 आगे जो नंबर। अब इसको आपने कोरियन लैंग्वेज में बोलते का कार, अगर इस नंबर को आपने लिखना है खोंग एल खोंग, एल ए को कहेंगे आगे खोंग एल खोंग ए, आगे ओ,
सांप ओ, अगर डैश है तो फिर ए कर दें, ओ छिल आगे डैश कर दें, ओ आगे खुम सॉरी खुम छिल फल युक युक। ये जनाब कोरियन नंबर स्टाइल, ये मैंने एक नहीं लिखा डायरेक्ट लिखे, ये लोकल नंबर होता है 010 के आगे फिर ये पूरा नंबर 8 इंच से होते हैं, ये कोरिया का लोकल नंबर। आप जब जाएंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा 010। अच्छा एक मजे की बात है कि कोरिया में जो आखिरी इंच होता है, आखिरी 4 इंच से होते हैं, आखिरी जो 4 इंच से होते हैं वो आप अपनी मर्जी की भी ले सकते हैं जो चाहे। अगर 0786 लेना है, 0512 लेना है, 1214 लेना है, कोई भी आप इनसे आखिर चार ले सकते हैं अपनी मर्जी, अगर लेना चाहे तो, नहीं तो जो मन चल रहा है वो चलाएं। अगर ज्यादातर हमारे यहाँ लड़के जो है तो 0786 ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई आखिरी 4 इंच भी आप ले सकते हैं कोरिया में जाकर, ठीक। तो ये जनाब मेन बात जो आपको बतानी है वो था फोन नंबर की, फोन नंबर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो क्या होगा। छौनवा कहते हैं फोन को, आगे लफ्ज है बोनो, बोनो कहते हैं नंबर को, छोनवा बोनो, समझ क्या बन गया, छोनवा बोनो, समझ क्या बन गया, छोनवा बोनो किसे कहते हैं, फोन नंबर को, बोनो, बोनो जो लफ्ज है ये नंबर के लिए इस्तेमाल होगा, बोनो किस लिए इस्तेमाल होगा। अब मैं आपको मतलब एक तो गिनती पढ़ा रहा हूँ, उसकी इस्तेमाल पढ़ा रहा हूँ, प्लस आपको वोकैबुलरी कुछ वर्ड इस्तेमाल हो वो भी पढ़ा रहा हूँ, अभी से आप सीख के जाएंगे, अभी से याद करके जाएंगे, आगे आपके लिए आसानी है आसान। छोनवा बोनो फोन नंबर, छोनवा छोनवा भी आपने पढ़ा है फोन सेट को, छोनवा वादा फोन करना, छोनवा बोनो फोन नंबर। सर ये फोन और नंबर में स्पेस आ गई, सर फिर स्पेस आ गई, स्पेस आ गई क्यों, नहीं स्पेस नहीं आई, ऐसे अलग मैंने लिखाया छोनवा बोनो, मैं इसलिए अलग लिखाया ताकि आपको समझ, वरना स्पेस नहीं, छोनवा बोनो इकट्ठे लिखा जाए। फोन नंबर की समझ आ गई थी, आगे चलते हैं बस की तरफ। आपने बस नंबर, क्योंकि कोरिया में जब आपने सफर करना है, कोरिया में सफर के बहुत से जराए हैं, ठीक है, छेदान कहते हैं जराए को, ये मिटा दूं, समझ आ गई इसकी एक बात के जो बंदा टीचर होता है अमूमी तौर पर उसको कोरियन लैंग्वेज आती है, ऐसे को बंदा नहीं खड़ा हो जाता, तकरीबन बंदों को आती होती है, जहन तौर पर वो तैयार होता है कि यार मुझे आती है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, किसी के मुस्तकबिल के साथ खेलना बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक है, मुझे कुछ चीज़ आती नहीं, ऐसे यहाँ पर खड़ा होके आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप मेरे पास आए आपको कुछ भी नहीं आता, अब मैं जो पढ़ाऊंगा आपने वही पढ़ना है ना, जाहिर सी बात है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपने उसको फॉलो करना है, अब आपको नहीं पता कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या ठीक पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा, आपको कुछ नहीं पता, आपने बस उसको जगह। तो ये बड़ी बात होती है कि इंसान का ज़मीर जिंदा होता है और इंसान को पता होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये इन लोगों को फ्यूचर में एक तो फायदा भी देगा, प्लस ये जो टेस्ट देने की तैयारी करने के लिए मेरे पास आए इसका भी इसका फायदा होगा, ठीक है। तो ये इसलिए आपको बताता हूँ कि मेरे साथ चले आप, इंशाल्लाह जब मेरे साथ चलेंगे तो आपको नाकामी नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं दूंगा। आप मेरे साथ 2 महीने 2.5 महीने पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, कल आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप आइएगा मेरे गिरेबान पकड़ लीजिएगा कि सर आप तो कहते थे कि हमारे मेरे साथ चले और टेस्ट पास नहीं हो, ये आप कैसे बात कर देते थे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे साथ चले, जो आपको मैं रोजाना पढ़ाऊँ वो तैयार करें, इनशाला इनशाला आपका टेस्ट कम अज कम इस वजह से फेल नहीं होगा कि आपने पढ़ा सही, बाकी को वजह बन जाती है, बंदा बीमार हो जाता है, कोई और टेस्ट भी पहुंच नहीं सकता, वो हजार बातें वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब आप कमरे इम्तिहान में जाएंगे मेरे साथ आपने पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह आपका टेस्ट फेल नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। आपकी ये फीस जो आपने दी है, रोजाना आप सफर करते हैं या आप लोग जो मुझ पर इतमाद करके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे, ये बात की मैं अभी से गारंटी दे रहा हूँ। शर्त एक ही सिर्फ मैंने रखी हुई, कोई ज्यादा शर्त नहीं, शर्त एक ही है कि रोज का जो काम आपको मिलना है वो आप तैयार, ठीक है। फिर ये होता है
कि जो आपको पढ़ाने वाला होता है उसके अंदर अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं उसके अंदर जितना नॉलेज होता है, जितनी चीजें होती हैं वो सारी निकाल देता है, उसके अंदर जितनी टैलेंट होता है वो आपके सामने पेश कर देता है कि यार करो तुम तैयार करो, क्योंकि आप बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊँ और उसको खुशी होती है कि यार बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं और भी मेहनत करूँ और मेहनत करूँ ताकि ये टेस्ट में और अच्छे तरीके से नंबर ले सके। लेकिन जब आप मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं है, ठीक है टरखाना शुरू कर देते हैं, फिर जो पढ़ाने वाला होता है वो कहता है कि यार ऐसी मैं जोर लगा रहा हूँ, ऐसी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये पढ़ती कुछ नहीं है। फिर वो आपको पूछकर चीजें समझाने के बजाय ठीक है वो कहता है ठीक है इनको आसान आसान ही बताओ, क्योंकि ये करते हैं ये और मुश्किल बता दें ये करेंगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, आप वैसे भी जिंदगी में कहीं भी अकेडमी ज्वाइन करें, कहीं भी पढ़ने जाएं, तो आप कोशिश करें कि जो इतना अच्छा पढ़े कि टीचर से निकालें चीजें खुद कि सर ये क्या है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ताकि वो आपको सारा नॉलेज निकाल के दे, निचोड़ आपको सामने पेश करें, बजाय ये कि वो खुद ही आपको बताते रहे। कि आपकी भी होनी चाहिए कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछें, ठीक है सवाल करें, सवाल करने से इंसान का नॉलेज बढ़ता है। सवाल करने से ये नहीं होता कि इंसान सवाल करने से शर्माए, सवाल करेंगे तो आप गलतियाँ भी दुरुस्त होंगी, आप पता चलेगा कि यार ये बंदा पढ़ने वाला है, इसके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है इसलिए सवाल करें। लेकिन सवाल मुतल्लिका हो, सवाल अपने कोरियन लैंग्वेज के मुतल्लिक करेंगे तो मैं आपको बता सकूंगा। आपने सवाल करेंगे कि एक बीघे में कितनी मूंगफली डाली जाती है वो मुझे नहीं पता, उसका मुझे नहीं पता, अगर तक कोरियन लैंग्वेज का आप सवाल करेंगे इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी, उस बारे में आपको परेशानी नहीं होगी। वालेकुम सलाम हजूर, ठीक है जी। तो ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी होती है कि आप अपने टीचर से निकालें। और अगर आपको मैं सच्ची बात बताऊँ मुझसे अभी ऐसी हालत थी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, इतना तकलीफ में हूँ मैं, लेकिन मैंने पढ़ाना है आपको, इतनी तकलीफ में हूँ मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। अभी मैं कुछ देर पहले दवाई लेने गया था आपसे, ठीक है मुझसे खड़ा नहीं हो पा रहा, इतनी मुझे तकलीफ है, पैदल चलता हूँ मुझे सही पैदल नहीं चला जा रहा, लेकिन मैंने आपसे पहले दिन बताया था, एक चीज़ का वादा किया था कि आप यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह मायूस होकर नहीं जाएंगे, पढ़ाना है मैंने, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, ये मेरी रोजी रोटी है पूरे साल की, उसके अलावा ना मुझे कोई काम आता है ना मैं कर सकता हूँ। अक्सर लोग मुझे फीस के बारे में कहते हैं, मेरी एक ही बात होती है यार मेरा मुकम्मल डिपेंड इसी पर है, इसलिए बर मेहरबानी ना किसी बंदे से कॉल करवाएं ना किसी बंदे की सिफारिश करें, मेरी जो हक है वो मुझे दें। अगर मैं सही नहीं पढ़ा रहा तो फिर आप बताएं, आप दो चार दिन मुझसे पढ़ चुके हैं, आपको आईडी शुरू में हो जाता है कि यार हम समझ सकते हैं नहीं समझ सकते, बंदा पढ़ाने वाला ठीक है या नहीं है, ठीक है आपको आईडी हो जाता है, आप बेशक उस दौरान अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, आप ऑप्शन में देता भी, ठीक है। तो बाद में अगर आप कहते हैं सर फीस कम कर दें, ये बंदा भी अभी आया था इसी सिलसिले में, तो यार कम अज कम ये बात ना किया जाए, क्योंकि मैं आपको 52 कॉन्सोनेंट से आपकी मैंने फीस नहीं ली, मैंने आपको पहले दिन बताया मैंने आपको 60 चैप्टर करवाने हैं, मैंने आपसे जो फीस लेनी है 60 चैप्टर की लेनी है, 52 कॉन्सोनेंट पढ़ने का आप यूट्यूब पे पढ़ें, वो हर कोई पढ़ा रहा है, अगर आपको वो तो आपने पढ़ने तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको 60 चैप्टर की बात की उसकी मैं आपसे फीस ले रहा हूँ,
तो मेरा टोटल में आपको बताया डिपेंड किसी चीज पे, पूरा साल में यही सिस्टम होता है। लेकिन ये हमारा सीजन होता है जब नाम आते हैं लड़कों के, तो हमारे पास पढ़ते हैं, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ आपको बताया था। लेकिन इस दफा अनफॉर्चुनेटली ये मसला बन गया कोरोना का, ठीक है, लड़के भी पढ़ने वाले आपके सामने कितने हैं आप, ठीक है, बकायदा हमारी क्लासेस भी नहीं हो रही, कुछ लड़के ऑनलाइन हैं उनको पढ़ा रहे हैं या कुछ लोग आप हैं, और इसके बावजूद भी आप कहेंगे कि नहीं फीस ये वो, तो काइंडली ये बात ना किया जाए। फीस के सिलसिले में मैं अगर आपको अपना अदा नहीं कर रहा तो फिर आप मुझे बताएं, फिर तो आप कहेंगे नहीं सर आप हमें तनख्वाह देते हैं पढ़ाते नहीं हैं, फीस किस चीज़ की ले रहे हैं। तो या तो 10 दिन पढ़ाना है, आपने देखा होगा एयरफोर्स या इनकी अकेडमीज बनी हुई है एयरफोर्स की नेवी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा महीना 15 दिन 20 दिन महीना, और पढ़ाते भी आके स्टूडेंट ही हैं, आधे दिनों में टीचर आ जाते हैं वो थोड़ा बहुत समझा देते हैं, 20-25 हज़ार ऐसे मरोड़ लेते हैं। तो यार आपको तो मैं एक अलग सी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो किसी को आती भी नहीं है, ठीक है, और एक अच्छे फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा हूँ, और उसके पूरे पूरी बुक्स मैंने कुछ स्टूडेंट भी बहुत से मुझे कहते हैं सर जो सबका हम पढ़ाते हैं आपके पास, आप क्योंकि बहुत बिजी होते हैं तो कुछ क्लासें हम भी साथ साथ करवाते रहेंगे, हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा और आप भी रेस्ट हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ जितना पढ़ाना है मेहनत मैंने खुद करनी, क्योंकि बंदा मुझ पर इतमाद करके आया है, मेरे किसी स्टूडेंट पर इतमाद नहीं, मैं आगे किसी और को खड़ा करके आपको वो समझाता रहे पढ़ाता रहे आप ही मुतमैन हुआ भी चलो फायदा नहीं उस चीज़ का, क्योंकि पैसे मैंने आपसे लेने मैं ही मेहनत करवाऊंगा। इसलिए ये बात जहन में रखें कि आपके जो पैसे दिए हैं या देने हैं वो ज़ाया नहीं होंगे किसी सूरत भी, लेकिन शर्त एक वापस शर्त वही आती है कि आपने मेरे साथ चलना है, ये बात था। वरना पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने में जाएं ठग हजरात हर जगह मौजूद हैं, शुरू शुरू में जब आप उनकी यूट्यूब पे लेक्चर सुनेंगे एक दो बातें सुनेंगे आप बड़े मुतमिन होंगे, या कुछ अकेडमी ऐसी भी बनी हुई है जहां पर आप जब दाखिल होंगे उस अकेडमी में उन्होंने जना वो क्या पैना फ्लैक्स लगाए हुए हैं, जनाब झंडे लगाए हुए हैं और बड़े बड़े स्क्रीनें लगाई हुई हैं, हम जनाब आपको कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बंदा जाता है अंदर जनाब पंखे लगे हैं एसी लगा, बंदा मुतमिन हो जाता है कि यार इतना ज़बरदस्त माहौल। लेकिन जैसे ही 15-20 दिन गुजरते हैं ना फिर आपको समझ लग जाती है कि कितना पानी है। ये नहीं कि उनको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, जैसी सी बात हर बंदे को आती है तो खड़ा है ना, मेन मकसद होता है कि वो मेहनत कितनी कर पाते हैं, कहा जहां भी आप जाएं आपका सवाल होना चाहिए, आपको बुनियादी हक बनता है कि सर आप हमें क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, ठीक है ग्रामर कितनी पढ़ाएंगे, आपको वैसे अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है आपकी कोरियन लैंग्वेज के लेवल कितने हैं, ये सवाल आपके हैं। फिर उसके बाद वो सारी बातें आपको बताने के बाद पहले दिन से मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है बता दिया था क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर है, ठीक फिर कोरियन लैंग्वेज के हाल ही मैंने पाकिस्तान से बिन करके कोरिया में गया था, ये सारी चीजें मेरे रिकॉर्ड में ऑन दी रिकॉर्ड है सारी चीजें। फिर 2013-14 से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे कितने स्टूडेंट कोरिया में मौजूद हैं वो चीजें आपको लोगों को तकरीबन पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं आप पूछा जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस किसी टीचर का एक्सपीरियंस होना, तजर्बाकार होना, उसको इन चीजों का इलम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली दफा कोई भी साइंसदान होते हैं तजर्बे करते हैं वो कभी इंसानों पर नहीं करते, उनकी कोशिश होती है कि यार चूहों पे जानवरों पे किया जाए, अगर उनको अल्लाह ना करे को नुकसान हो तो कम से कम किसी इंसान की जिंदगी ना उसे जाया हो, ठीक है। अब ये कोरोना वायरस की जो अभी बना रहे हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम मुसलमानों के खिलाफ जितने भी ये काफर हैं वो डटे लगे हुए हैं कि किस तरीके से इसकी मेडिसिन निकालें, वो जानवरों पर तजर्बा करेंगे उनके बाद किसी और पे, फिर आहिस्ता मरीजों पर आहिस्ता आहिस्ता वो कर भी लेंगे और अल्लाह करे हो भी जाए। तो इसी तरह ये भी मिसाल ऐसी है कि आप पहले तौर पे चले जाएं कि यार जाके तो है फीस भी बड़ी कम है बड़ी मुनासिब सी है, ठीक है तो आप हो सकता है ये लास्ट चांस हो, आगे आपको चांस मिले ही नहीं, आप 5-10 हज़ार के लिए 6 हज़ार के लिए 2 हज़ार के लिए उस फीस के लिए जनाब और किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पर आप ये रिस्क लेंगे ना, आप वहां पर यहाँ पर आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि रिस्क नहीं होगा, अगर आप मेरे साथ चलेंगे इंशाल्लाह टेस्ट आपको दिए शर्त ये मेहनत आपने जरूर करना, मैं यहाँ पर घंटे का लेक्चर दूँ आधे घंटे का लेक्चर दूँ जितना भी दूँ आप उसको क्लियर करना है, बस इस बात को ध्यान रखना। अगर आप वो नहीं कर सकते आप मैंने पहले दिन आपको बताया था ऑनलाइन, तो जो लड़के हैं जहरी सी बात है ये मुतमिन है किसी ने इनको बताया तो ये ऑनलाइन हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन किसी पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है इस दौर में, हर जगह फरार है हर जगह फरार है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है किसी पर भरोसा करती, आपने देखा भी नहीं उसको पता भी नहीं है और जनाब आपने उसको फीस दे के पढ़ने पढ़ाई शुरू कर दी, ये बहुत बड़ा एतमाद होता है बड़ा ट्रस्ट होता है किसी पे,
आप लोग तो चलो खेल है फिजिकली बैठे हैं, आपको पता है या किसी से आपने सुन भी रखा, इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी पर एतमाद करना। ठीक, तो इस एतमाद को इंशाल्लाह मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, आपने रोज की तैयारी चाहे आप मैं आधा घंटा पढ़ाऊं वो आपके लिए अगले 22 घंटों के लिए बहुत हो जाता है। अगर उस पर अगर कल मैंने आपको गिनती 1 घंटे में पढ़ा दी, अगर घर में आप मेहनत करेंगे तो कम से कम आपको 5-6 घंटे लगेंगे तब जाकर आपकी वो तैयार होगी, क्योंकि आप तो पढ़े नहीं, आपने समझ नहीं होगी जाकर। इसलिए एतमाद रखें, मेहनत अपनी अच्छे तरीके से करें। मैंने आपको बताया मुझे इतनी तकलीफ अभी भी हूँ कि मैं मुझे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा आपसे पहले दिन से वादा है कि मैंने पूरा अपना देना है और इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है, तो फोन नंबर हमने पढ़ लिया था, फोन नंबर कैसे आगे चलते हैं बस नंबर की तरफ। बस खुश इंग्लिश के जो लफ्ज होते हैं रेडीमेड लफ्ज होते हैं, जो लफ्ज रेडीमेड लफ्ज होते हैं वहां पर आपकी जो मतलब है सेटिंग है इसकी कॉन्सोनेंट की आवाजों की, कॉन्सोनेंट की आवाजों की जो सेटिंग है वो तब्दील हो जाती है। मतलब ये लफ्ज फस लफ्ज क्या बन है फस, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं बस तब भी ठीक है, क्योंकि ये रेडीमेड लफ्ज है, बिजली नहीं है, रेडीमेड लफ्ज है ये। ठीक है, इस तरह ये जो लफ्ज आएंगे आपके रेडीमेड उसमें जरूरी नहीं है कि बी एफ स्टार्ट में फेक आवाज दे रहे हैं या बेजी दे रहे हैं। ठीक है, बस तो बस बस को कहते हैं, इसके साथ लिखेंगे बोनो, मैं थोड़े मिला के लिखना तो ऐसे होगा बस बोनो, बस बस को कहते हैं बोनो कहते हैं नंबर को बस। अच्छा, कोरिया में आप जाएंगे तो सफर के बहुत से जराए हैं, जराए के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं छे दा, क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं छे दा, छियार ए वावल दीगर आवावल और नीचे नियम छे दा किसे कहते हैं जराए, बहुत से जराए हैं। जराए में एक जरिया है खींचा, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है खींचा, ट्रेन को कहते हैं, कोरिया की जो सबसे तेज तरीन ट्रेन है वो है KTX कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस इसको कहते हैं। ठीक, खींचा, इसके अलावा ट्रेन के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है योलचा, योलचा भी किसे कहते हैं ट्रेन, इस बड़ी ट्रेन को। एक ट्रेन है जी छी हा छो छो छी छो, कौन सी ट्रेन होती है सबवे, सबवे ट्रेन ऑलरेडी आपको पता है कि जो अंदरूनी शहर चलती है अंडरग्राउंड भी होती है ज्यादातर अंदरूनी शहर ही चलती है। ठीक है, सबवे ट्रेन। उसके अलावा एक जरिया है बस, बस इसके अलावा एक और जरिया है सराइट रिक्शी, ये मुख्तलिफ जराए हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में कि सफर करने के कौन कौन से जराए हैं, उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम सारा अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। आधे से ज्यादा आपको यहाँ से कोरियन बना के भेजेंगे जो उन्होंने सिलेबस दिए हो। ठीक है, छीछा ट्रेन को कहते हैं, छी अच्छा सब ट्रेन मेट्रो ट्रेन बस, बस की आगे बहुत सी जिसमें एक बस होती है जो अंदरूनी शहर चलती है जिसको हम मेट्रो बस कहते हैं, अंदरूनी शहर चलेगी पूरे शहर के अंदर। ठीक है, वो बसें वो भी बसें। ठीक है, इसके अलावा एक बस चलती है जनाब माइल बस, माइल बस होती है जो कस्बों में चलती है, शटल बस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसका टाइमिंग होती है कस्बों में देहातों में जो चलती हैं। ठीक है, एक होती है शिवे बस, शिवे बस कहते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर में नॉन स्टॉप बसें होती है, मतलब लाहौर से उसने इस्लामाबाद आना है या इस्लामाबाद से उसने मुल्तान जाना है। ठीक है, जो भी बसें होंगी वो बसों की आगे बहुत सी किस्में हैं, तो भी इंशाल्लाह हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ मैं आपको इसकी करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा तारफ आपको हो जाए। ठीक है, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें मेरे जहन में उसी टाइम आती हैं, मैं आपको पहले बात ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप सही पढ़ेंगे मेहनत से पढ़ेंगे तो जैसे मैं कोई लफ्ज़ लिखूंगा उससे 10 चीज़ें रिलेटेड मुझे मेरे जहन में आ जाएंगी, और 10 रिलेटेड चीज़ें जब आएंगी मैं आपको साथ लिखवाऊंगा समझाऊंगा भी, लेकिन जब मैं देखूंगा कि यार ये पढ़ ही नहीं रहे मेहनत नहीं कर रहे ऐसे ही जनाब आते हैं चले जाते हैं या आप लोग ऑनलाइन वाले मुझे कुछ भी नहीं बता रहे पूछ रहे, तो मैं कहूंगा बस ठीक है मैं बस नंबर ही बताऊंगा, फिर ये चीज़ें मैं आपको साथ नहीं करवा सकूँ, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता टीचर के लिए, यार ये एक याद कर में तो बड़ी बात है बाकी ऐसे बच्चे हैं जो साथ साथ लिख पा रहे। ठीक है, तो बस कौन कहेंगे बस नंबर। जब आपने कोरिया में सफर करना है ठीक है, स्पेशली जब अंदरूनी शहर सफर करना है ठीक है, शीने बस से शीने बस किसको कहते हैं जो अंदरूनी शहर बस चलती है।
ख्याल में लाहौर या कुछ शहरों में शायद अभी चलती हो पाकिस्तान में भी, वहाँ पर जितनी बसें आज शहर के अंदर चल रही हैं बहुत आसान सफ़र करना है, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट किसी दोस्त के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप तुम ऐसा करना कि फलां, तुम ट्रेन से आ रहे हो जी, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, तुम ऐसे करना कि फलां यॉर्क पे उतर जाना। यॉर्क, यॉर्क जो वर्ड है ये ट्रेन स्टेशन के इस्तेमाल होता है, यॉर्क ट्रेन स्टेशन, यॉर्क यॉर्क किस इस्तेमाल होगा, ट्रेन स्टेशन के लिए, चाहे वो सबवे ट्रेन हो, चाहे वो चिया चौल हो, चाहे वो खिंचा हो, इन दोनों के लिए कौन सा यॉर्क के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा, सॉरी ट्रेन स्टेशन के लिए यॉर्क वर्ड इस्तेमाल होगा, कौन सा वर्ड, यॉर्क। वो कहेगा कि आप फलां यॉर्क पे उतर जाना, ठीक है, मैं फलां यॉर्क पे उतर गया। ऐसे करना कि तुम यॉर्क से उतर, क्यों जितने भी कोरिया में आप यॉर्क से उतरेंगे वहां से लाजमी बसें गुजर रही हैं, बसें गुजर रही हैं, ठीक है, वहां बाहर आप उतरेंगे, वो आपको बताएगा तुम ऐसा करना 700 नंबर बस पे सवार हो कि फलां जगह फलां जो है स्टॉप पे उतर जाना, ठीक है। अब वो आपको कहते हैं क्या करें, 700 नंबर बस। अब आपने किसी कोरियन से पूछना है कि 700 नंबर बस कहां पर खड़ी होती है या कहां पर मौजूद है, तो आप उसको कैसे कहेंगे, छिल खूम खूम नहीं कहेंगे, बस नंबर पूछने के लिए बताने के लिए, ठीक है, आप पूरा वर्ड यूज करेंगे, इसको कहेंगे छिलबिक, छिलबिक यूज करें, क्या यूज करेंगे, छिलबिक बोनो बस, छिलबिक बोनो बस, बोनो बात के लिए छिलबिक बोनो बस, 700 नंबर बस, औदी सायो, औदी, औदी का इस्तेमाल होता है, औदी, औदी का मतलब है कहाँ, औदी कहाँ मौजूद, औदी, औदी का मतलब क्या है कहाँ, ई एम औ अवल दी का ई अवल, औदी, औदी का मतलब क्या है कहाँ। तो बस नंबर के लिए आपने क्या बताना, पूरी का पूरा, बस क्या, आपकी एक बस है 220, 2020, ठीक है, तो आप इसको पूरा पढ़ेंगे, ईच ऑन ई शिप बोनो, ईच ऑन ई शिप बोनो बस, बोनो नंबर के इस्तेमाल, बोनो किसके इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बस नंबर पूछने बताने के लिए आपने पूरी अलग अलग गिनती यूज नहीं करनी, पूरी गिनती यूज करनी, फोन नंबर के लिए आपने अलग अलग यूज करनी, ऑलरेडी आपको बता चुका, ठीक हो गई, याद रख, समझ आ गई। अभी जनाब चलते हैं थोड़ा सा राइट कर, कल आपने जितनी गिनती पढ़ी थी उसका मैं आपको इस्तेमाल बता रहा हूँ, ठीक है, यही इस्तेमाल आप जितना आप सिलेबस पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक पता होंगी, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। आप लोग ऑनलाइन जो वो लिख लीजिएगा ये चीजें, ठीक है, या आप पीछे वीडियो करके चेक कर लीजिए या रिपीट कर लीजिएगा जो चीज आपको समझ में आए। अच्छा, अब आपका टेस्ट जो होता है, टेस्ट पहले ही बताता रहता हूँ फिर भी बताऊं कि आपका जो टेस्ट होता है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, रीडिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड लिस्निंग, रीडिंग एंड लिस्निंग, रीडिंग के आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, रीडिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे और लिस्निंग के भी
बेस्ट बेस्ट। इसके भी 25 मिनट और इसके भी 25 मिनट, ठीक है। रीडिंग के भी 20 क्वेश्चन, लिसनिंग के भी 20 क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा वो होगा रीडिंग। टेस्ट क्या होगा? रीडिंग का। रीडिंग में आपके पास 25 मिनट है, लेकिन रीडिंग में आपके पास टाइम किस तरह इस्तेमाल करने आप खुद वो उसको सेटिंग करते हैं। सेटिंग कैसे करते हैं? मतलब आप हर सवाल का आपके पास टाइम नहीं होता, आपकी मर्जी है कि एक सवाल पे आप एक मिनट लगाएं या 10 मिनट लगाएं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड पे स्क्रीन पे इस तरह की एक पट्टी बनी होती है, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक आपके क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्या, आपने रीडिंग का पहला सवाल, पहले सवाल के 4 ऑप्शन 1 2 3 4, दूसरा क्वेश्चन उसके भी ऑप्शन 1 2 3 4, तीसरा क्वेश्चन इसके भी 1 2 3 4 ऑप्शन, ठीक है। वहां वो साइड पे होगी, ऊपर आपका जो टाइम होगा वो माइनस में, जैसे आप स्टार्ट करेंगे टाइम आपका माइनस में चलना शुरू होगा, 25 मिनट से पीछे चलना शुरू होगा, ठीक है। आपने पहला सवाल फर्स्ट किया, वहां पर एक कान की तस्वीर आई, किसकी? कान की। कान के ऑप्शन 4 बने हुए हैं, खो, 2 ऑप्शन है खुई, 3 ऑप्शन है मुख, 4 ऑप्शन है फल। अब कान की तस्वीर अगर बनी हुई थी, चीज किस तरह कान की तस्वीर है, अब आपको पता है कान को क्या कहते हैं? क्वी। कान को क्या कहते हैं? क्वी। आपने जनाब माउस लाना है, 2 नंबर ऑप्शन क्या कर देना है? क्लिक कर देना। अब जैसे क्वेश्चन जवाब नंबर आपका कौन सा है? 2 नंबर। यहां पर 2 नंबर क्या हो जाएगा? आपका काला हो जाएगा, इससे जो साथ वो पट्टी बनी होगी उधर वो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आप जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या आपको नहीं आता, छोड़ दें, उस टाइम आपने क्या कर देना? उसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हो सकता है आपको सवाल आता है उसका जवाब नंबर क्या है? 4। उधर आप 4 क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर काला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप हल करते जाएंगे, जो जो आपको आते हैं ठीक है आप करते जाएं, जो नहीं आते वो छोड़ दें, ठीक है। अब फर्स्ट क्या आप आखिरी क्वेश्चन पे गए हैं, 1 2 3 4, आपको आखिरी क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 है, उसको आप क्लिक इधर क्लिक करेंगे आपको उधर काला हो जाए। अब दरमियान में से आपने कुछ सवाल छोड़े थे उस टाइम, और ये तरीका होता है टेस्ट हल करने का, ऐसा नहीं करना आपने पहले सवाल से शुरू करना है और डायरेक्ट 20 पे पहुंच जाना है, नहीं ऐसे नहीं करना। जो आपको सवाल नहीं आता समझते हैं यार ये डाउट वाला है उसको छोड़ दे, उस पर टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि टाइम अगर आप यही बात फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं सही बताता हूँ रीडिंग वाली की, रीडिंग अगर आपकी अच्छी है, बात लड़कों की वोकैबुलरी अच्छी होती है, तैयारी बड़ी अच्छी होती है, रीडिंग अच्छी नहीं होती, वो एक सवाल पे टाइम पढ़ते रहते हैं और दी खा गो शिप पो यो, वो जो पढ़ते पढ़ते जनाब उनके 2 3 4 मिनट इस एक सवाल पे जाया कर देते हैं। टाइम को मैनेज करना बड़ा जबर जरूरी है। जो बंदा टाइम मैनेज नहीं कर सकता रीडिंग में, लिसनिंग बाद में बताता हूँ, रीडिंग में वो मुश्किल हो जाती है उसके लिए, ठीक है। तो रीडिंग में पहला सवाल जो आपको आते हैं उनको जो आपको कंफर्म है, ठीक है। फर्स्ट क्या आपने पहले अटेम्प्ट की 20 क्वेश्चन तक पहुंचे, आपको 10-12 सवाल वो थे जो आपको मुकम्मल यकीन था कि मुझे आते वो आपने हल कर, फिर आप चाहते हैं कि मैंने ये 12 सवाल अब मैं आपने छोड़ दिया क्वेश्चन नंबर 14। एक मिसाल दे रहा हूं, आपने इनमें से 2 क्वेश्चन छोड़ा होगा, वो जहर सी बात उस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन काला नहीं होगा, जैसी बात आपने छोड़ दी है। अब आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 20 पे हैं, 20 आखिरी आपने हल किया, आपने क्वेश्चन कौन सा छोड़ दिया था? 14 नंबर है। अब यहां पर स्क्रीन पे नीचे 2 ऑप्शन होंगे, नेक्स्ट और इधर होगा प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट से ये होगा कि नेक्स्ट करेंगे तो अगला सवाल आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो अगला सवाल आ जाएगा। अब आपने सवाल नंबर कौन सा छोड़ दिया? 14, ठीक है। बजाय ये कि 20 क्वेश्चन से आप पीछे प्रीवियस पे जाए, फिर 19 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 14 आएगा, वो उसमें क्या होगा आपके 5-10 सेकंड जाया हो जाएंगे। बजाय वो करने की आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इधर माउस को कर्सर को लेकर आएंगे 14 नंबर पे कलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन सामने आ जाएगा, समझ आ गई। तो जो सवाल आपने छोड़ा होगा इधर से आपने चेक कर लेंगे यार, क्योंकि याद तो बंदे को नहीं हो, उधर आपने याद नहीं रखना कि मैंने कौन सा छोड़ दिया कौन सा नहीं, बस यहां पर आपने नजर रखनी जो साइड पे इधर छोटा सा बनी होगी ये पट्टी कि मैं कौन सा सवाल छोड़ रहा हूं, तो उधर आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा कि आपने सवाल छोड़ दिया? पता ऐसे चलेगा कि वहां पर ब्लैक नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली फिर आप उस क्वेश्चन पे चले जाएंगे। हाँ जी यार ये हो सकता है, थोड़ी सी देर आदत नहीं, सर ने क्या बताया ऐसा, ये जवाब
फिर आपने जितने क्वेश्चन छोड़े होंगे दो तीन चार और ऊपर टाइम भी देखते रहना है, ऐसा लोग टाइम आप 10 सवाल आपने छोड़े हो और ऊपर 5 मिनट बचे हो सवाल मेहनत आखिर में देखें कि जब बिल्कुल दो तीन सवाल आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है टाइम ऊपर कितना रह गया एक या दो मिनट फिर चुप करके जनाब अल्लाह का नाम लेकर उन पर कोई ना कोई तुक्का लगा छोड़ना नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती समझ आ रही हो सकता है आपका लग गया जिसके चांस बहुत कम है तुक्का बहुत ही रेयर किस्म का है कि वो लग जाए लग जाए अदरवाइज नहीं लगता ठीक है तो ये तो जनाब है रीडिंग रीडिंग की थोड़ी बहुत समझ आ गई आपका टेस्ट किस टाइप का होगा फिर आप जाएंगे लिसनिंग की तरफ लिसनिंग के आपके 20 क्वेश्चन और 25 मिनट लिसनिंग में आपने टाइम मैनेज नहीं करना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा फर्स्ट क्या आपको जो पहला क्वेश्चन होता है पहला क्वेश्चन लिसनिंग का ये होता है फिर मजीद भी समझाएंगा सबमिट करने से पहले चेंज कर सकते हैं आप बिल्कुल आप एक सवाल किया है इन्होंने कि फर्स्ट क्या आपने क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब नंबर लगाया 4 ठीक है अब फिर आपके पास टाइम बचा तो आपने चेक किया होगा और नहीं 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 इसका जवाब नंबर 4 तो नहीं इसका जवाब नंबर 3 है तो आप जवाब भी टाइम के अंदर अंदर चेंज कर सकते कोई मसला नहीं जवाब भी आप चेंज कर सकते ठीक है ये फर्स्ट के लिस्टिंग का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप के दो सवाल आपके होंगे चार वर्ड लिखे हुए अब लिस्टिंग के लिए भी रीडिंग जरूरी है इनमें से वो एक लफ्ज बोलेगी चार में से एक लफ्ज बोला जाएगा अब फर्ज के वो बोलती है छा लफ्ज बोला है या लड़के की आवाज होगी या लड़की की आवाज होगी बस लड़के कहते हैं जनाब हम तो जब तैयारी करके गए थे इधर हमारे पास जो लिस्टिंग की है उसमें लड़का बोलता है जब टेस्ट आया उधर लड़की की आवाज तो ये जनाब बहाने होते हैं ऐसे कोई बहाना का लाभ ना कीजिएगा ठीक है तो ये में से लफ्ज उसने बोला है छा तो छा कौन से नंबर पे आया है तीन नंबर आपने क्या करना है माउस को 3 नंबर पे क्लिक कर देना उधर आपका 3 नंबर क्लिक हो जाएगा अच्छा लिस्टिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 20 तक हर क्वेश्चन दोहराया जाएगा हर क्वेश्चन को क्या किया जाएगा दोहराया जाएगा खांसी फिर अब ये लफ्ज ऐसे सवाल पहले चेक करें आपको कैसे बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 इतने ये सारी तमीज बनने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको गिनती आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 वो बोलेगी इल और साथ बोलेगी बॉन इल बॉन इल बॉन का मतलब क्या हो गया एक नंबर अगर आपने लिस्टिंग के 20 क्वेश्चन आपके जो बोले जाएंगे साथ वो गिनती भी बोलेगी इल बॉन क्वेश्चन नंबर 1 ई बॉन क्वेश्चन नंबर 2 संबन क्वेश्चन नंबर 3 साबन ओबन युक्बन छिलबन इस तरह ये तो जब आपके सवाल किए जाएंगे उस टाइम भी आपकी ये गिनती इस्तेमाल होगी तो ये लिसनिंग का लफ्ज क्वेश्चन नंबर 1 वो कहेगी इल बॉन इन चार में से एक लफ्ज बोलती है फर्स्ट के वो बोलती है ना ठीक है अगर आपको समझ आएगी तो वेल एंड गुड नहीं समझ आएगी तो वो ये सवाल उसी टाइम दोबारा दोहराया जाएगा दोबारा कैसे वो कहेगी थाशी थिरोशिप्शियो थाशी दोबारा थिरोशिप्शियो सुने दोबारा बोलेगी ना ठीक अब मैं ये मुकम्मल सवाल दोहराता हूं कितना टाइम होगा इस सवाल का चेक करें इल्बन ना थाशी थिरोशिप्शियो ना इबन ये आपका एक सवाल का टाइम है सवाल बड़ा होगा तो टाइम भी ज्यादा होगा सवाल छोटा होगा तो सवाल भी जवाब टाइम भी कम होगा अब इतनी देर में जो लफ्ज बोले आपको यकीनी तौर पे अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिखे हैं तो आराम से आप कर लेंगे पहली बात तो ये है कि आपको दूसरी दफा आप पहली दफे क्लिक कर देंगे आपको कंफर्म हो जाएगा दूसरी दफा आराम से बैठ जाएंगे मजीद दूसरी दफा बोलेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा ये जो टाइम गुजर गया अभी आपको मैंने जो पहला सवाल बताया इस टाइम के अंदर अंदर जो आपको दोबारा दोहराए कि आपने जवाब दे दिया तो ठीक इन केस अब आपने जवाब छोड़ दिया तो अगला सवाल शुरू होगा तो पिछले का आपके आप पास ऑप्शन कोई नहीं होगा वो खत्म हो गया इसलिए अगर आपको आता है तो ठीक नहीं भी आता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कोई ना कोई जनाब लगा दे ऐसे नहीं कि आपने ऐसे छोड़ देना हो सकता है आपको लग भी कोई काम कर ही जाए ठीक है लेकिन लक पे नहीं रहना आपने कि लक ही सारा कुछ करेगी ना माना आपकी लक की बात थी अब आपकी मेहनत है कितनी मेहनत आप करते हैं ये आप डिपेंड करता है
तो ये जनाब लिखने के लिए आपको गिनती यही इस्तेमाल होगी, इल बन ई बन सम बन सा बन, कौन सा आपका वर्ड यूज करें, ठीक है। एक दूसरे गिनती के साथ आपको थोड़ा सा रीडिंग लिखने का पैटर्न भी थोड़ा समझ आया, टेस्ट हमारा किस तरह होना है। तो आगे चलते हैं जनाब, ये मिटा दूं जी, इसमें तो कोई खास इतनी नहीं थी। अगली चीज मैंने सिलेक्ट आपके लिए क्या की हुई थी जी, हाँ जी, वो इंशाल्लाह वैसे बाद में पढ़ेंगे, आज मैं थोड़ा सा आपको तारफ करवा देता हूँ। टाइम, आज हमने टाइम नहीं पढ़ना, टाइम वाला आपका एक पक्का सवाल आता है, टाइम वाला एक सवाल आपको पक्का आता है। टाइम वाला सवाल आपको दो शक्लों में आता है, या तो वो क्या करता है, ज्यादातर लिस्ट ये सवाल आते ही लिस्टिंग में, लेकिन आप घड़ियां बना देता है, ठीक है। घड़ी के साथ अभी मैं दिन से नहीं लिखे, वहां पर एन से भी लिखे होंगे, चार घड़ियां होंगी, चार घड़ियों में से एक वो टाइम बोलेगा, अगर आपको टाइम की समझ है तो आप एक सेकंड में उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो या फिर ये होता है कि वो डायरेक्ट क्या कर देता है, एक क्वेश्चन के साथ 12-20 लिखेगा, दो क्वेश्चन के साथ 13-30 लिख लेगा, एक क्वेश्चन के साथ 4-20 लिख लेगा, और एक क्वेश्चन के साथ फिर 15-30 लिख लेगा। ये टाइम है, इन टाइमों में से एक टाइम वो बोलेगा या बोलेगी, सेन में रखना है कि लड़का या लड़की किसी की साउंड हो सकती है, तो वो बोले कि अगर आपको टाइम आता है तो आराम से आप वो क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम में टाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है शीगान, शीगान किसे कहते हैं, टाइम को। घड़ी के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, शीके, शी लफ्ज घंटे के लिए इस्तेमाल होता है, जो अकेला शी है ये सिर्फ घंटे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। अभी फिलहाल हम पूरा टाइम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा टाइम हम पढ़ नहीं सकते, हमने दूसरी गिनती नहीं पढ़ी। जब आपने टाइम बोलना है तो टाइम में आपकी दोनों गिनतियां यूज होंगी, नेटिव कोरियन भी और सिनो कोरियन, ठीक है। तो आज सिर्फ थोड़ा सा सिनो कोरियन टाइम में जो मिनट घंटे हैं शी हैं वो इस्तेमाल होते हैं नेटिव कोरियन में, जो अभी आप तक अभी आपने नहीं पढ़ी, और जो मिनट है, मिनट को कहते हैं पुन या बुन, वो आपके साइनो कोरियन में यूज होते हैं, साइनो कोरियन। तो हमने क्योंकि साइनो कोरियन सारी पढ़ी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा सा तारफ करवा देता हूँ, इंशाल्लाह कल परसों जब भी हम टाइम पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक को क्या कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में, सीनो में इल, इल के साथ आपने बोन लगा दी, इल बोन। दो को क्या कहते हैं, ई, ई को लिए आप क्या लगा देंगे, ई बोन। फिर इसी तरह आपने गिनती के साथ बोन लगाना है, अब फोन लफ्ज क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि सेकंड पोजिशन पर इल बोन, ई बोन, सम बोन, सा बोन, ओ बोन, युक बोन, शिप बोन, ई शिप बोन, ई शिप ओ बोन, सम शिप बोन, 30 मिनट हो गए हैं, सम शिप ओ बोन, 35 मिनट हो गए हैं, सा शिप बोन, 40 मिनट हो गए हैं, सा शिप ओ बोन। कोरियन लैंग्वेज में आपके जो है ये 45 और 15 सवा के लिए और पौने के लिए, वो खास वर्ड नहीं है ऐसे ही, लेकिन हमने वो इस्तेमाल नहीं करने ना। हाँ अलबत्त आधे के लिए इस्तेमाल होते हैं, निसब के लिए, जिस तरह 12:30 होता है, 1:30 होता है, 2:30 होता है, 3:30, 4:30, 12:30, 6:30, तो 6:30 के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा। और उसने मैंने आपको बताया था आधे के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा, याद है, अन, अन कहते हैं निसब को, आधा, ठीक है। तो कल या परसों जब भी हम ये टाइम पढ़ेंगे मुकम्मल, तो ये अब मिनट वाला आपने 60 तक क्लियर करना है खुद, एक से लेकर 60 तो खैर मिनट होते हैं, पूरा घंटा बन जाता है 59 तक, ओशिप खूबन, ओशिप खूबन तक आपने क्लियर करने हैं ये मैंने, ठीक है। इल बोन, ई बोन, सम बोन, तो घंटे अभी तक आप कहेंगे नहीं पढ़ रहे, घंटे इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अभी हमने दूसरी नेटिव कोरियन गिनती नहीं पढ़ी, वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टाइम में दो चीजें आपको साथ साथ बताता चलूं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने जब भी टाइम देखा होगा घड़ी पे, मोबाइल पे, तो दो एक चीज आपको लाजमी नजर आती है, ठीक है, वो कौन सी, ए एम और पी एम, ए एम और पी एम, ए एम कहते हैं एंटी मेरिडियम और पी एम वर्बन पोस्ट मेरिडियम, ठीक है।
तो कोरियन लैंग्वेज में भी एएम और पीएम का इस्तेमाल लाजमी है। पूरी दुनिया में खैर है तो यहां पर भी कोरियन लैंग्वेज में भी इनका इस्तेमाल होता है। पीएम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ओजन। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? ओजन। ओजन और ओह। ओजन ओजन कहते हैं एएम को और ओह किसे कहते हैं? पीएम। ठीक है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में ओजन एएम और पीएम के लिए ओह। कोरियन लैंग्वेज में आपने इंग्लिश में देखा होगा पीएम और एएम का इस्तेमाल टाइम के बाद इस्तेमाल, मतलब 1 एएम आप यूज करते हैं या 2 पीएम यूज करते हैं, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में ओजन और ओह पहले इस्तेमाल किए। ये खैर हम जिस दिन पढ़ेंगे टाइम बकायदा मैं उस दिन आपको वैसे भी समझा दूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बातें अभी से ध्यान में रख के जाएंगे, साथ साथ देख के चलेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ था कि इसके लिए आपने मुकम्मल कर तैयार करके आने जो जो चीज़ें आपको समझाई हैं, टाइम आपने कैसे थोड़ा सा मिनट कैसे बताने हैं, फोन नंबर कैसे बताना है, बस नंबर कैसे बताना है, उसके अलावा महीनों में तो खैर आपने पढ़ लिया था, महीने कैसे बताने हैं, और क्या चीज़ आज पढ़ी थी? टाइम, टेलीफोन और नंबर नंबर बताने के लिए, क्वेश्चन नंबर पूछने बताने के लिए, तो ये सारी। हाँ, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, डेटें जितनी भी आपने बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ये मेरे टेस्ट कब है, तो ये सारी चीज़ें आपका किसी गिनती में इस्तेमाल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे, तैयार करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत सी चीज़ें कोरियन लैंग्वेज पर हम भूल भी हासिल करेंगे, फिक्र कैसे बनते हैं वो भी हम सारा सीखेंगे, जल्दी हमारी बुक भी स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से ये चीज़ें तैयार आप करें ताकि आप जब बुक स्टार्ट करें शुरू में आपको परेशानी किसी किस्म की। ठीक है, आज का हमारा इतना लेक्चर, तो इंशाल्लाह कल।